हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो यार मर्सनरी वाला चैलेंज खेलने वाला हूँ मैं अभी, मतलब मर्सनरी वाला चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूँ मैं अभी। और भाई मुझे ऐसा लग रहा था ना कि हल्किंग बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकता है, क्योंकि जो मतलब हल्किंग है एक डिफेंडर बहुत ज़्यादा तगड़ा है, एंड उसके लिए जो भाई मर्सनरी और डायमेंशनल बींग चैम्पियंस चाहिए थे, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे नहीं लगता हो पाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊँ, नोट्स की वजह से इतना ज़्यादा ईजी पड़ रहा था ना, तो भाई मैंने एकदम इजीली उसको लेके बस मुश्किल से मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मैंने सोलो मारा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा कि भाई मुझे बहुत इजी लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा टफ कंटेंट है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी पड़ा ये हल्किंग, एंड तुम लोग देख सकते हो। और मैं तुम लोगों को अगर कुछ टिप दूंगा कि इसको कैसे पीटना है, तो भाई इसको ब्लॉक में पेल दो, ब्लॉक में इतना मारो ना, एंड उसको इतना ब्लॉक में मारो कि वो SP1 तक पुश हो जाए। फिर जब वो अपना SP1 दे, तो तुम लोग जाके उसको अपना SP1 दे दो, तो उसका जो प्रोटेक्शन वाला शील्ड है वो हट जाएगा, एंड इसके ऊपर जो थोड़े बहुत बफ आ जाएंगे, तो इसका जो नोड है कि मतलब अगर इसके ऊपर 3 से ज़्यादा बफ नहीं रहेंगे तो इसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, 90% या 100% लेस डैमेज होगा। तो तुम लोग इसको ना इतना मारो कि फिर जब अपना SP1 दे दोगे ना, तो इसके ऊपर बफ आ जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे कि रीजनरेट आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ सकता है, या फिर तुम लोग देख सकते हो कि बल्क और आ जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद जब तुम लोग ब्लॉक में इसको SP दोगे ना अपने, तो भाई हॉन्टेड नाम का एक बफ आएगा इसके ऊपर, एंड जब तुम इसको SP1 दोगे SP2 दोगे ब्लॉक में, तो ये स्टन हो जाएगा। भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि जब स्टन होता है ना, तो प्रोटेक्शन कभी कभी है ना स्टन की ड्यूरेशन में आ जाती है, तुम लोग वीडियो में देखना ज़रूर, स्टन की ड्यूरेशन में आती है ना, तो भाई प्रोटेक्शन अपने आप ही हट जाती है, फिर इतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ता प्रोटेक्शन हटाने में, एंड इतना ज़्यादा है भी नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था ना, तो मुझे एक रिवाइव लग गई, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ता था, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया। तो फर्स्ट रिवाइव में आई थिंक मैंने 3 से 4 लाख हिट पॉइंट लिया, फिर उसके बाद सेकंड रिवाइव मैंने उसके बाद रिवाइव नहीं यूज़ किया, मैंने बार बार उसको फिर रिस्टार्ट किया, गेम को रिस्टार्ट किया एंड हेल्थ पोशन यूज़ कर लिया, मैंने रिवाइव को ज़्यादा वेस्ट नहीं किया उसके अंदर, क्योंकि भाई अब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको ब्लॉक में कैसे ट्रिगर करूं, लेकिन भाई बहुत ईजी है, एक हिट मार के तुम पीछा जाओ, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं स्टार्टिंग में जो है वो मैं उसको मारे ही जा रहा हूं, भाई जब वो ब्लॉक नहीं किया तभी भी मारे जा रहा हूं, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है, तुम लोग एक हिट मारो और उसका ब्लॉक करने का वेट करो और ब्लॉक में पेल दो भाई, इतना पेलो ना उसको कि तुम्हारा SP1 या SP2 तक तो पुश हो जाए। अभी बीच में मतलब मैंने पता नहीं कैसे वो रोटेशन बैठाया था, क्योंकि भाई मेरा SP2 आ गया था, अब ये वाले वीडियो में था या नहीं था, या मैं उसको फर्स्ट ट्राई जब अटेम्प्ट कर रहा था जब मैंने किया था, वो तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन जब मैंने उसको फर्स्ट ट्राई में SP2 दिया था भाई ब्लॉक में, तो मतलब 20,000 की ब्लीड हो रही थी भाई, उसको मुझे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ऐसे ही वो आधा पहुँच गया था, लेकिन मेरे को सोलो करने का ट्राई कर रहा था, तो लेकिन वो सोलो हो नहीं पाया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सोलो लग रहा मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मुझे ऐसे फील आ रहा था कि भाई लेट हो जाता है पहली बार, ऑलरेडी मैं हमेशा कंटेंट जो है वो लेट डिलीवर करता हूँ, और मुझे जल्दी डिलीवर करना था, तो मैंने थोड़ी बहुत रिवाइव यूज़ कर लिया, एक आध दो रिवाइव यूज़ कर लिया, ताकि मैं तुम लोगों को जल्दी बता सकूँ कि हल्किंग को कैसे मारना है, एंड इसको कुछ ज़्यादा टफ नहीं है भाई, बस इसको जो है ब्लॉक में मारो, ब्लॉक में मारते ही रहो, रुको ही मत ब्लॉक में, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ब्लॉक में मारो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि भाई मैं ब्लॉक में नहीं मार रहा हूँ उसको, ब्लॉक में ही मारना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, अब देखो ये स्टन हो जाएगा यहाँ पे, अब देख सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे स्टन हुआ, अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन आता तो मैं उसको जो है मैं स्टन आता ना, तो स्टन की ड्यूरेशन में अगर वो आता ना, तो मैं उसको हैवी दे के निकाल देता उसका प्रोटेक्शन। तुम लोग देख सकते हो कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट ये पहली रिवाइव यूज़ कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के सामने, एंड ये वाली मैं हील पोशन यूज़ करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने एक ही यूज़ किया, फिर उसके बाद जो नीचे वाली मतलब लेवल 5 वाली यूज़ कर लिया, नीचे वाली क्या बोल रहा हूँ, लेवल 5 वाली यूज़ कर लिया, एंड थोड़े बहुत बूस्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ठीक है, वीडियो को तुम लोग पूरा देखना, एंड तुम लोग देखो कि मैं कैसे उसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब जो इसको ब्लॉक में मार रहा हूँ। और तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोगों को अगर कोई टिप चाहिए ना, तो तुम लोग कमेंट करके बताओ, एंड भाई इजी है, बस इसको खाली ब्लॉक में मारते रहो। अभी डायमेंशनल बींग पे भी मैं लेके आने वाला वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डोमिनो अगर है तो तुम्हारे पास डोमिनो बहुत ईजी मार सकते हो भाई इसका, क्योंकि जो ब्लॉक में डैमेज अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो 2 पॉइंट निकाल चुका हूँ, एंड 7-स्टार क्रिस्टल ओपनिंग भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और ऑनस्लॉट का रैंक 5 वाला गेम प्ले वीडियो भी आने वाला है, तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।